दिल्ली की बर्बादी का तमाशा देखते रह गए ऋषभ पंत, नहीं भेद पाए बेंगलुरु का किला, आखिरी सांस तक लड़ते रहे अक्षर पटेल। कोई और होता तो बीच मैदान में ही हो जाता कोहली के साथ हाथापाई, दिल्ली को धूल चटाते ही आरसीबी ने पॉइंट टेबल पर मारी लंबी छलांग। आज भी आग का गोला बन गए थे विराट कोहली, पहली बार आरसीबी की जीत पर अनुष्का भाभी ने किया स्टेडियम पर डांस, आईपीएल 2024 से दिल्ली का सफर समाप्त। जिस मैच में दिल्ली की टीम को किसी भी कीमत पर सिर्फ जीत चाहिए थी, जो मैच दिल्ली के इतिहास का सबसे ज़्यादा करो या मरो वाला मैच बताया जा रहा था, उसी मैच में ऋषभ पंत डगआउट में बैठकर अपनी आंखों में आंसू लेकर दिल्ली की बर्बादी का तमाशा देखते रह गए थे। क्योंकि दोस्तों, ऋषभ पंत को इस सांसें रोक देने वाले मैच से बैन कर दिया गया था। एक तरफ क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर दिल्ली के सभी बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों के सामने हथियार डालकर आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ डगआउट में बैठे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपनी आंखों से आंसू छिपाते हुए नजर आ रहे थे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी करो या मरो के मुकाबले में आरसीबी की जीत पर अनुष्का शर्मा भाभी विराट कोहली को फ्लाइंग किस देने के साथ साथ स्टेडियम पर ही डांस करती हुई नजर आ रही थी। इस मैच में दो पुराने दोस्तों के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिलती है। दोस्तों, आरसीबी की बैटिंग के दूसरे ओवर में विराट कोहली और ईशांत शर्मा के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिलती है। पहले तो ईशांत शर्मा की गेंद पर विराट कोहली शानदार चौका लगाते हैं, जिसके बाद ईशांत शर्मा विराट कोहली से कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जो विराट कोहली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ईशांत शर्मा की अगली ही गेंद पर विराट कोहली लेग साइड की तरफ 85 मीटर का जोरदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं, जिसको देखने के बाद स्टेडियम पर बैठी अनुष्का शर्मा भी उछलने कूदने लगती है। दोस्तों, इस दौरान ईशांत शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। हालांकि विराट कोहली और ईशांत शर्मा के बीच हुए इस जंग में ईशांत शर्मा बाजी मार जाते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली को आउट कर देते हैं, जिसके बाद ईशांत शर्मा विराट कोहली के पास जाकर विराट कोहली को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस दौरान विराट कोहली काफी ज्यादा खुश भी नजर आते हैं। दोस्तों, अगर यही विराट कोहली के साथ कोई दूसरा खिलाड़ी किया होता तो बीच मैदान पर हाथापाई की नौबत आ जाती, ऐसा पूरे सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है। बेंगलुरु के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी के मैदान में इस करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना दिए थे। दोस्तों, एक बार फिर से विराट कोहली आग का गोला बन गए थे और विराट कोहली ने पहले ही ओवर में लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। इस मैच में विराट कोहली एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। विराट कोहली ने इस मैच में सिर्फ 13 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। हालांकि विराट कोहली के बड़े भाई फाफ डू प्लेसिस इस मैच में आरसीबी फैंस को धोखा दे जाते हैं, लेकिन बिल जैक और रजत पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है। 187 रनों के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी ज्यादा घटिया होती है और पावर प्ले के अंदर ही दिल्ली कैपिटल्स के 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के हर एक विकेट पर डगआउट में बैठे ऋषभ पंत काफी ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस मैच में दिल्ली का हर एक बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था। डेविड वार्नर को काफी टाइम बाद मौका दिया गया था, मगर डेविड वार्नर पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन चले गए थे, तो वहीं पर जैक फ्रेजर मैगर रन आउट हो गए थे। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस करो या मरो के मुकाबले में जब दिल्ली कैपिटल्स के सभी बल्लेबाजों ने डीसी फैंस को धोखा दे दिया था, तब उस समय अक्षर पटेल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल अकेले दम पर डीसी को यह मैच जिता देंगे, मगर दोस्तों, अक्षर पटेल ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दिए थे डीसी को मैच जिताने के लिए, मगर वह काफी नहीं था और डीसी की टीम को आरसीबी के हाथों 47 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। इस जीत के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल पर लंबी छलांग लगाते हुए 5वें स्थान पर आ गई है, तो वहीं पर डीसी कैपिटल्स को इस शर्मनाक हार मिलने के बाद अब डीसी के प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है।